इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नाम से समझते हैं, यानी कि आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के बाद की क्या स्थिति रही वो हम पढ़ेंगे। इसमें रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, बॉम ब्रिटेन प्लान, फ्रीडम ऑफ द नेशन, हैप्पीनेस ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द ईयर एंड इन सर्टेन मूवमेंट अमंग इंडियन स्टेट्स, मर्जर ऑफ स्टेट्स, नेक्स्ट स्टेप गांधीजी डेथ और रिहैबिलिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके इंप्लीमेंटेशन सब हम पढ़ेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ भारत, तो बच्चों उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। और किस तरह से देश का संविधान बना, उसको लागू किया गया, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें कि सॉल्व करना। सो स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन। इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, वन डे प्रायर ऑफ इसके एक दिन पहले क्या हुआ, ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बच्चों 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ, पर 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान अलग गया, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। सो द हैप्पीनेस ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज देयर अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, बट इट एट द सेम टाइम मैनी प्रॉब्लम्स क्रॉप अप बिफोर द नेशन ड्यू टू इंडिया बीइंग divided into approximately 80 lakh refugees came back to India from Pakistan। भाई जब देश के दो हिस्सों में विभाजन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, मुस्लिम बहुत थे, वो लोग वहाँ माइग्रेट हुए, और वहाँ से लोग जो हिंदू धर्म के लोग थे वो भारत की तरफ आए। और उसमें क्या 80 lakh refugees आए तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उनको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको रिहैब करना है, ये सारी चीज़ें देश के सामने आई। और दूसरा क्या था कि हमारे 562 स्टेट्स थे छोटे बड़े, उन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू ज्वाइन देम विद इंडियन टेरिटरी, एंड कॉन्सिक्वेंटली बिल्डिंग ऑफ नेशन वॉज ऑल्सो अ टफ प्रॉब्लम। द थर्ड मेजर प्रॉब्लम वॉज मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल बाई प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर होप्स। एक तो सारे प्रिंसिपल स्टेट्स को एक साथ बनाना था, दूसरा लोगों में सेटिस्फेक्शन लेवल रखना था कि भी आने वाले समय में उनको अच्छा देश का पूरा संविधान और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मिलेगा। फॉर दिस इंडिया रिक्वायर्ड अ सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, के लिए भारत को रिक्वायरमेंट थी एक मजबूत राजनीतिक ढांचे की। सो रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, ब्रिटिशर्स हैड ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। सो दे वेर इन फेवर ऑफ कन्विंसिंग पीपल दैट द वेलफेयर कंसर्न ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिफरेंट, उन लोगों को ये समझाना चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदूज की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग हैं। दे टोल्ड एवरी वन दैट द टफ प्रोसेस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, दैट थॉट प्रोसेस, क्योंकि जो सोचते हैं कि विचार कर रहे हैं वो काफ़ी अलग है। ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड मैनी मुस्लिम लीडर्स थॉट दैट द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स विल नॉट बी कंसर्न एंड टेकन केयर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दे विल नॉट बी सिक्योर, सो दीज मुस्लिम लीडर्स वेर इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट पाकिस्तान, इट वुड लीड टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। Keeping this objective in mind, the Muslim League conference was held in 1948 Lahore. In this conference, the resolution was passed that the areas having majority of Muslims will be included and the demand for separate Pakistan will be put forward. After this, the main goal of Muslim League was formation of Pakistan. बच्चों resolution लिया गया meeting में कि पाकिस्तान भारत से अलग किया जाए, और मुस्लिम लीग को यही चाहता था, और इस तरह से भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों, भारत के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये माना गया कि जो मुस्लिम बहुल एरियाज हैं वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। फिर माउंट बेटन प्लान, वॉइस राय, माउंट बेटन अराइव इन इंडिया इन मार्च 1947। ही वॉज द ओपिनियन दैट इफ इंडिया हैड टू बी इंडिपेंडेंट इट्स पार्टीशन वॉज कंपल्सरी, इफ द पार्टीशन वेर नॉट बी डन द होल कंट्री वुड हैव टू फेस कम्युनल राइट्स एवरीवेयर,
people would be harassed, the freedom movement had reached up to such a stage that there was no option with Britishers than leave India immediately. In such circumstances, many visionary leaders who knew the reality accepted the view of formation of Pakistan. These leaders also persuaded others to accept this point of view, and the discussion continued for 3 months. Many meetings were held with leaders, and at last, Mountbatten proposed point of partition of India, which is known as Mountbatten Plan, to implement the plan, the resolution of nation. इंडिया वॉज पास बच्चों जो मॉन्टबेटन आया भारत का यही था कि भारत को जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं यहाँ था इसे बचाने के लिए भारत को दो भारतों में बांटा जाए जिससे कि लोगों का हेरेसमेंट कम हो जाए और जब कई मीटिंग्स के बाद फिर ये प्लान पास किया गया और इस प्लान को मॉन्टबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है फ्रीडम ऑफ द नेशन फिर जो नेशन किस तरह से हमारा देश आजाद हुआ 1947 में देखो मॉन्टबेटन प्लान का एक कितना आपको बताना चाहूँगी देखिए लॉर्ड मॉन्टबेटन बैठे नेहरू जी बैठे जिन्ना बैठे इस तरह से मीटिंग चल रही है और वीपी मैनू इज इट क्लियर According to Mountbatten plan, British Parliament passed the law of freedom of the nation. The provisions made in the law were kya provisions hai? The Indian League and Pakistan League are divided into two and would be made independent. जो पाकिस्तान और जो भारत है इसको दो हिस्सों में बांटा जाए फ्रीडम कि दोनों देशों को स्वतंत्रता किस तरह से दी जाए फिर एवरी यूनिट वुड इंडिपेंडेंटली फॉर्म इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और दोनों चाहे वो भारत या पाकिस्तान अपना खुद का संविधान बनाए बिग और स्मॉल स्टेट्स वुड जॉइन एनी वन ऑफ द लीग्स एज पर देयर विश एंड इफ दे लीडर विश टू जॉइन दे वर फ्री टू वर्क इंडिपेंडेंटली छोटे बड़े स्टेट्स जो हैं दोनों में से किसी भी एक यूनिट चाहे भारत या पाकिस्तान नहीं चाहते तो अपना काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली According to Mountbatten Plan, India was divided into two, India and Pakistan. Mountbatten was appointed as India's first Governor General and Muhammad Ali Jinnah as the first President of Pakistan. Mountbatten ko pehla Governor General banaya gaya aur jo Muhammad Ali Jinnah the unhe Pakistan ka President banaya gaya. With this law, the slavery of India and uske saath hi Bharat ki jo dastan thi wo khatam ho gayi. The struggle had started in 1857. The country got its independence finally in 1947. Sindh, Balochistan, West Punjab, boundary area and East Bengal were included in Pakistan. These areas were included in Pakistan. The rest of the areas were in India. So, bache, jitne bhi areas the Bharat mein. Happiness of independence throughout the country. Pure desh mein, jo tha ki chaaron taraf khushi ka mahol tha. तो बच्चों इस खुशी के माहौल में लोगों ने क्या किया देयर वॉज एन एयर ऑफ हैप्पीनेस थ्रू आउट द कंट्री ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वी ऑल बिकेम फ्री फ्रॉम इयर्स ऑफ स्लेवरी कई सालों की दास्ता के बाद हम आज़ाद हुए थे इन्यूमरेबल रिवोल्यूशनरीज एंड लीडर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी नोन एंड अननोन पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द फ्रीडम स्ट्रगल After so much hard work, sacrifices and freedom movement, we became the citizen of an independent nation. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India and he unfurled the tricolor flag of our country at Red Fort in Delhi by bringing down the flag of British Union. The nation was colored with independence. And this is it. Our country was azad ho gaya to bahut kuch the kyunki iske liye bahut sare leaders ne bahut sare लोगों ने लोगों ने अपनी ज़िंदगी का दाव पे लगाया और देश को आज़ाद कराया और इस तरह से लाल किले पर हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने झंडा फहराया बच्चों कुछ मूवमेंट्स हुई थी सटल मूवमेंट्स एम एम इंडियन स्टेट्स
जो हमारे जितने स्टेट से वाला जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करें। एज द लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ नेशन वॉज पास मैनी इंडियन स्टेट्स ट्राइड टू बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। बहुत सारे स्टेट तो टेन ऑफ द इंडिपेंडेंट रहे हैं। एज पर द लॉ इट वॉज ऑब्वियस दैट द स्टेट वुड थिंक यू सोचे सो सर सी पी रामास्वामी अय्यर डिक्लेयर द स्टेट ऑफ त्रावणकोर एज अ सोवरेन रिपब्लिक स्टेट। सेम डिक्लेरेशन वॉज मेड बाई निजाम ऑफ हैदराबाद नवाब ऑफ भोपाल एंड होलकर ऑफ इंदौर। इन लोगों ने अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि वो इंडिपेंडेंट है। नवाब ऑफ जूनागढ़ डिक्लेयर हिज स्टेट टू बी एसोसिएटेड विद पाकिस्तान। और नवाब जूनागढ़ के तो कहते हैं कि उनका स्टेट तो पाकिस्तान के साथ है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ एवरी स्टेट वुड ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन इंडिया वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरियस स्मॉल स्टेट्स देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू बाउंड्रीज एंड द रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट वुड बिकम लिमिटेड सो डिस्प्यूट्स वुड राइज अमंग स्टेट्स देयर वुड बी नो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर ये सोचा जाएगा कि सर सारे स्टेट्स कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं और जो नहीं अभी इंडिपेंडेंट हो जाते बाद में वापस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इससे आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा बाउंड्रीज के कारण कोई ना कोई मतभेद रहेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि इसके बाद अगर हमने आदत ले ली है उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या हुआ मर्जर ऑफ स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 562 स्टेट्स इन आवर कंट्री। 562 स्टेट हमारे देश में। इफ ऑल दीज स्टेट ज्वाइन ओनली द इंडियन लीग वुड इमेजिन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। अगर ये सब ज्वाइन होते तो एक विचारधारा था कि भारत यूनाइटेड इंडिया कहलाएगा। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क वॉज कम्प्लीटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्टर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सेक्रेटरी श्री विपिन मेनन। इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी विपिन मेनन को। दे ट्राइड टू अवेकन द फीलिंग ऑफ patriotism among the states and with their presence of mind they merged 559 states in the Indian League. First and foremost effort of merging the states was done by King of Nagar Maharaja Krishna Kumar Singh Ji. Now the only problem was the three states and they were Junagadh, Hyderabad and Kashmir. The three states ke alawa 559 states ke liye Bharat ke saath puri tarah se merge hone ke liye ready the just because of their efforts kyunki sardar patel aur unke secretary vp manning the people started revolutionary activities against nawab of junagarh ratubhai adani along with other people established rg hukumat bachcho sare logon ne revolution एक्टिविटी शुरू कर दी। नवाब और जूनागढ़ के लिए वो नहीं चाहते कि वे पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ मिले। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अचीव मेजोरिटी नोट फ्रॉम पीपल ऑफ जूनागढ़ एंड फाइनली इट वॉज वॉज विद इंडियन लीग। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट निजाम ऑफ हैदराबाद एंड एट द एंड इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडियन लीग और इस तरह को भारत में मिला लिया गया। पाकिस्तान अटैक कश्मीर इन 1948 AD enters. During this war, the King of Kashmir, Hari Singh, officially joined the Indian League. और इस वॉर के कारण हरि सिंह जो उन्होंने इंडियन लीग को ज्वाइन कर लिया। इवन जोग्राफिकली ऑल्सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज स्टेट्स ज्वाइन द इंडियन लीग। और जोग्राफिकली भी बीच में से जूनागढ़ कैसे पाकिस्तान में आता और कश्मीर भी भारत के साथ, इस तरह से इनको अपने भारत के साथ मिला जाएगा। द किंग ऑफ वेरियस स्टेट्स वॉन्टेड टू गिव अ रिस्पॉन्सिबल government to the people. It was assured that the government of India would give a responsible government to the people. और ये लोगों में सांत्वना देवी ने एश्योर किया गया कि अच्छी सरकार लोगों को दी जाएगी भारत में। सेकेंड पॉइंट वॉज ऑल्सो नोट फॉर दी दैट एजुकेशन एवं पीपल हैड इंक्रीज्ड कि भी लोगों में लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है, साक्षर बनाना है, एजुकेटेड बनाना है। Every individual was able to understand the meaning of independence. Each one wanted to be free. So the kings and their people observed that there will be sure development by being associated with Indian League. सबको ये लगा कि उनका development तभी है जब वो भारत के साथ मिलके रहेंगे। It is praiseworthy that these kings gave all their treasures to Indian League, except some portion which was necessary for them. So all the states became ready to merge with India League. It was a historical event not only for India but in the history of the world. विश्व में एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि जो उस टाइम
हैं कि जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने अपना मैक्सिमम पार्ट जो उनके पास वेल्थ थी वो भारत के सरकार को देंगे और कुछ पोर्शन भी अपने पास रखा जो कि जिसे कह सकते हैं कि प्रेस करते वक्त माना जाता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीपी मेनन अलॉन्ग विद सरदार पटेल अंडर हिज गाइडेंस वर्क फॉर मदर ऑफ स्टेट्स वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड सच यूनिटी इन इंडिया वॉज नेवर सीन बिफोर दिस वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो सरदार पटेल का एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन माना जाता है हमारे देश के लिए क्योंकि इससे पहले भारत में यूनिटी जब गांधी जी की डेथ पड़ेगी उससे पहले एक शो करूँगी मैं आपको गांधी जी की डेथ के समय में कितनी भीड़ थी देखी। देखो बच्चों इतने लोग भीड़ थे उनके फ्यूनरल में लोग गए थे रेप्यूपर ड्यूरिंग पार्टिशन भी मैं आपको बता देती हूँ उसके साथ में फटाफट आपका चैप्टर फिनिश करूँ। इट वॉज ओनली सिक्स मंथ सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द होल नेशन वॉज शॉक्ड सेवरल कम्युनल राइट्स प्लेस इन वेरियस एरियाज ऑन अकाउंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग टू स्टॉप हिज राइट्स ही अपील्ड टू पीपल फॉर मेंटेनिंग पीस ड्यूरिंग दिस फास्टिंग गांधी जी वॉज गोइंग फॉर इवनिंग प्रेयर बिरला हाउस ऑन 30th January 1948 हियर ही वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी उससे चारों तरफ बहुत दंगे फसाद होते तो गांधी जी ने अपना उपवास रखा था लोगों की बढ़ाई के लिए और उनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। द होल नेशन वेंट इनटू ग्रीफ एज दे हर्ड दिस सैड न्यूज ऑन रेडियो अनाउंस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स कंपेनियंस द टॉर्च ऑफ आवर लाइफ इज लॉस्ट एंड नाउ देयर इज डार्कनेस ऑन ऑल साइड आवर डियर फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर अमंग अस। सो द होल नेशन वॉज डीपली शॉक्ड गांधी जी बिलीव इन यूनिटी अमंग ऑल क्लासेस ऑफ पीपल एंड फॉर दिस ही सैक्रिफाइज्ड हिज होल लाइफ हिज फ्यूनरल स्टार्टेड इन दिल्ली पीपल विद टीयर्स इन देयर आईज जॉइन द फ्यूनरल। सारे देश में एकता की भावना दौड़ गई। फिर बच्चों रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे उनको स्थापित करने की बहुत बड़ी समस्या हमें सामने थी और उसको बहुत अच्छे से भारत ने निभाया। लैक्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान देयर हैबिटेट एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वॉज टेकन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीपल वर गिवन एज मच फैसिलिटीज एज पॉसिबल ह्यूज रिफ्यूजी कैंप्स वर ओपन दे वर नॉट ओनली गिवन हैबिटेट एंड फूड बट इवन लव एंड कंपैशन द कॉमन पीपल एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट दस द पीपल दीज पीपल मिक्स विद अदर एंड स्टार्टेड देयर न्यू लाइफ। और ये लोग जो वहाँ से आए यहाँ पे आके लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन बच्चों भारत के सामने अपना संविधान बनाने चुनौती की और इसको किस तरह से लागू किया और बनाएगा वो हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज फॉर्म इन 1946 AD इट्स वर्क वॉज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया दिस वर्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड अप टू December 1949 लॉन्ग डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन इट्स माइन्यूट पॉइंट्स। सो ऑलमोस्ट 11 सेशन अरेंज फॉर वर्क 11 सेशन इसके लिए अरेंज किए गए। मीटिंग्स कंटिन्यूड ऑन वन फॉर 165 डेज वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज डिजन वर्क ऑफ अमेंडमेंट इन द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 300 इंडियन पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस। द मीटिंग रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड इन दिल्ली बट द मेंबर्स वर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया 300 लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया था और सारे पूरे भारत से इसमें अलग अलग जगह से लोगों को लिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। एज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड इट वॉज एनफोर्स एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 1950 और इस तरह से इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दिस वॉज द डे वेन रियल पावर्स वर गिवन टू द पीपल और इस तरह से इस दिन वास्तविक पावर के लोगों के हाथ में दी गई। सो 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे वेयर आज 15th August सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। देयर वॉज दीज टू डेज आर कॉल्ड आवर नेशनल फेस्टिवल या हमारे नेशनल फेस्टिवल के रूप में जाने जाते हैं।
ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन रिटायर्ड एंड रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर हिम। जब वो वापस हो गए तो उनके पास ही गोपालाचारी बिकेम द गवर्नर जनरल। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो पहले मतलब कि भारतीय पहले थे, उनके पहले जो लॉर्ड माउंटबेटन थे और इस तरह से तो गवर्नर जनरल बने। उसके बाद कोई हमारे भारत में गवर्नर जनरल नहीं बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो थे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इस तरह से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, रिहैबिलिटेशन का पूरा कार्य किया गया, हमारे जो 562 प्रिंसली स्टेट थे उनको और